तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल। हाँ, एकदम बेस लेवल पे वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा डायोड का। और ऐसे अगर आप लोग डायोड के बारे में जानोगे तो आपको ज़्यादा इसके अंदर के चीज़ों के बारे में या इसके अंदर के कॉन्फिगरेशन के बारे में जानना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लेके काम कर सकोगे, यानी आपको काम लायक चीज़ मालूम चल जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहो। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि डायोड का जो कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं, हम लोग करेंगे एक ऐसा चीज़ के साथ डायोड का कंपैरिजन, जिससे कि आप लोगों को इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने में बहुत ही सिंपल लगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किस चीज़ के साथ डायोड को कंपेयर करेंगे? डायोड को कंपेयर करेंगे हम लोग वन साइडेड डोर के साथ, यानी एक साइड से खुलने वाला दरवाजे के साथ हम लोग डायोड का कंपेयर करेंगे। तो जाके आप लोगों को डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल एकदम बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वन साइडेड डोर के साथ आप लोग इसको कैसे कंपेयर कर सकते हो, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वन साइडेड डोर एक्चुअली में होता क्या है। अगर आप एक डोर के थ्रू जा रहे हो, उसको डोर को आपको खोलना है, ठीक है, तो वन साइडेड डोर कैसा होता है कि एक साइड से आप लोग खोल सकते हो, एक साइड से अगर आप लोग उसको पुश करोगे तो वो खुल जाएगा, और वही डोर का अगर ऑपोजिट साइड से आप लोग उसको पुश करोगे तो उसको खोलने नहीं देगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है वन साइडेड डोर। तो यहां पे जो डायोड होता है, डायोड में कौन सा चीज़ फ्लो करता है, यहाँ पे तो आप खुद जा रहे थे, यहाँ पे डायोड के थ्रू क्या चीज़ जाएगा, तो वो अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर में है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी है जो वायर या जो कंडक्टर होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही होता है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ डायोड के थ्रू कोई जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन ही है जो डायोड के थ्रू जाता है। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा डायोड के बारे में, डायोड के अंदर के चीज़ों के बारे में। मैं बस आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि डायोड का दो पार्ट होता है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे कि डायोड का एक साइड को बोला जाता है पॉजिटिव, दूसरा साइड को बोला जाता है नेगेटिव, तो डायोड का एक साइड होता है पी टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर, दूसरा साइड होता है एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर। ये सब सेमीकंडक्टर क्या होता है वो सब अगर जानना चाहते हो तो गूगल कर लो, उससे आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसमें एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है बोला जाता है। तो वो डिप्लीशन लेयर एक्चुअली में वही दरवाजा है, आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी जो अगर आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके थ्रू कराना है तो वो एक साइड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अलाउ करेगा, दूसरा साइड से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने जाएगा तो उसको वो रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं और थोड़ा डीपली जाके। तो क्या होता है कि एक्चुअली में डायोड का पॉजिटिव और डायोड का नेगेटिव साइड क्या होता है, अगर आप लोग कोई डायोड खरीदे हो, अगर पावर डायोड सब पकड़ लो IN4007 जो नॉर्मली सोल्डरिंग आयरन के अंदर यूज़ होता है, तो वो एक डायोड अगर आपने ख़रीदा है तो उसमें आप लोगों को एक वाइट कलर का स्ट्रिप दिखता है, वो ब्लैक कलर का डायोड होता है उस पर एक वाइट कलर का स्ट्रिप होता है एक साइड में, जिस साइड में वो वाइट कलर का स्ट्रिप होता है वो होता है उसका नेगेटिव और दूसरा साइड होता है उसका पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी आप लोग पकड़ लो, डायोड आपका एक स्विच के जैसा काम करेगा। स्विच के जैसा कैसे, क्योंकि आपने अगर डायोड का जो पॉजिटिव साइड है उस पर अगर आपका बैटरी का पॉजिटिव लगाया और डायोड का जो नेगेटिव है उसमें अगर आपने बैटरी का नेगेटिव लगा दिया तो वो डायोड को बोला जाता है फॉरवर्ड बायस डायोड, और उसके थ्रू तब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी वो अलाउ करता है, वो अलाउइंग पोजिशन होता है डायोड का। ठीक है, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है डायोड के थ्रू, तो आप लोग बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल या जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग उसी चीज़ को
ऑपोजिट कर दो, यानी डोर का क्या होता है, डोर का दूसरा साइड से अगर आप लोग आना चाहो तो वो रेजिस्ट करता है, वैसे ही अगर आप लोग ऐसे घुमा दो यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन को चेंज कर दो तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, उसका डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा और डिप्लीशन लेयर बढ़ के वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को पूरा रोक देगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है डायोड का काम। तो इस चीज़ को अगर हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट से समझना चाहे तो आप लोगों को मैं एक सर्किट का आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे आप लोग करके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर चेकिंग बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, आप लोगों को लेना पड़ेगा एक LED, ठीक है। LED भी एक्चुअली में लाइट एमिटिंग डायोड ही होता है, उसके साथ एक 100 ओम का रेजिस्टेंस ले लो, एक 9 वोल्ट का बैटरी ले लो, 9 वोल्ट का बैटरी और एक डायोड ले लो, IN4007 ही ले लो, ठीक है। तो ये डायोड को लेके आप लोग कैसे टेस्ट कर सकते हो कि डायोड कैसे काम करता है, तो आप लोगों को एक सिंपल सा सर्किट बनाना पड़ेगा। LED एक्चुअली में होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी वो भी एक डायोड ही है, ठीक है। इसीलिए LED का देख रहे हो तो LED का पॉजिटिव लेग नेगेटिव लेग होता है, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ही देना होता है, अगर पॉजिटिव को बैटरी का नेगेटिव में कनेक्ट कर दो तो वो LED नहीं जलता है, वही इस सेम चीज़ के लिए ही नहीं जलता है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है उसको रेजिस्ट कर दिया जाता है, तो इसीलिए वो नहीं जलता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस LED को आप लोग साइड में रखो, उसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, पकड़ लो, और मैं अभी बस आप लोगों को डायोड का बताता हूँ, ठीक है। तो आपने एक 9 वोल्ट का बैटरी लिया है, 9 वोल्ट का बैटरी का पॉजिटिव से आपने एक वायर निकाला है, वो वायर जो है आपका डायोड का पॉजिटिव में गया, फिर डायोड का नेगेटिव साइड से आपने एक और वायर निकाला है और उसको आपने कनेक्ट कर दिया है LED का पॉजिटिव साइड में, फिर LED का जो नेगेटिव साइड है उसमें आपने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, वो 100 ओम का रेजिस्टेंस का दूसरा साइड को आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया बैटरी का नेगेटिव में। ऐसे जैसे आप लोग कनेक्ट करोगे आप लोगों को क्या दिखेगा, आप लोगों को दिखेगा कि जो LED है वो जल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका डायोड है ये उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अलाउ कर रहा है। अभी बस कुछ नहीं करना है, सर्किट में कुछ चेंज नहीं करना है, बस आप लोग क्या करना है वो डायोड को खोल के IN4007 जो डायोड है उसको उठा लो वहाँ से और फिर रिवर्स पोलैरिटी में बस कनेक्ट कर दो, यानी डायोड का जो नेगेटिव था उसको बस पॉजिटिव में लगा दो बैटरी का, और नेगेटिव से उसका जो पॉजिटिव साइड है उससे उसको आप लोग LED में कनेक्ट कर दो, ठीक है। बस इतना सा चेंज करने पे ही आप लोगों को क्या दिखेगा, आप लोगों को दिखेगा कि LED नहीं जल रहा है। तो यही है, वो रेजिस्ट कर रहा है या रिवर्स बायस में है, तो इसीलिए वो डायोड के थ्रू कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है और वो डायोड बंद हो गया है, ठीक है। तो यही है सिंपल सा डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये चीज़ जान के आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोगों का बढ़ गया अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे हो तो। और एक बात, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो के नीचे में 100% ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि ये चीज़ मुझे बताता है कि आप एक यूनिक इंसान हो जो इस वीडियो को पूरा देखे हो, ठीक है। आपका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत ज़्यादा है, एक बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर अभी इंसानों का बहुत ज़्यादा गिर रहा है, इसके कारण से क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो जो सब डीपली कोई चीज़ को समझाया जाता है तो वो सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ आपको बता रहा हूँ, आपने अगर अंत तक देखा है तो आप लकी हो, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पावर है, और इसको अगर आप लोग पॉजिटिव वे में काम में ले सको तो आप लाइफ में बहुत ऊंचा लेवल तक जा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी, बाय।